आपको इसकी पहचान बता दिखा देता हूँ। ये जो गन्ने का पौधा होता है उसकी पहली जो पुरानी पत्तियाँ वो पीला होना शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियाँ गोब तक चली जाती हैं सूखते हुए। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान क्रॉप ज्ञान में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जून जुलाई से लेकर और नवंबर तक जो कीट प्रमुख कीट आते हैं उनकी रोकथाम हम कैसे करेंगे, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे कि आप जानते हो जुलाई के महीने में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और जिससे खेतों में अधिक नमी होने के कारण बहुत सारे कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये कीट कौन कौन से हैं जो प्रमुख रूप से गन्ने की फसल में लगते हैं और ये जुलाई से लेकर नवंबर तक लगते हैं। 5 महीने में किसान भाई 6 कीट गन्ने की फसल में अधिक प्रकोप इनका होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से कीट होते हैं। किसान भाई, सबसे पहले लगता है पारीला, दूसरे नंबर पर है गुरदासपुर भेदक, तीसरे नंबर पर है तराई भेदक, चौथे नंबर पर है जड़ भेदक, पाँचवें नंबर पर है सफ़ेद मक्खी और छठे नंबर पर है सफ़ेद लट। किसान भाइयों, ये 6 कीट ऐसे कीट होते हैं जिनका अगर प्रकोप अधिक हो जाए गन्ने की फसल में तो सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। ये आज वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मोस्टली 3 कीटों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं बची हुई 3 कीटों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज हम बात कर लेते हैं शुरू के 3 कीटों के, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकी पहचान, इनकी रोकथाम हम कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आज 3 कीट जो बताने वाला हूँ कौन कौन से होंगे। एक तो पारीला होगा, एक जड़ भेदक होगा और एक गुरदासपुर भेदक होगा। किसान भाई, ये 3 कीट हैं जिनकी रोकथाम के बारे में आपको बताऊँगा और इनकी पहचान के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पारीला। किसान भाई, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। यह कीट भूसे के जैसे रंग का होता है और उसका जो नुकीला आगे से नुकीला भाग होता है, इसके बच्चे और इसके प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं और चूसने के बाद में पत्तियां पीली हो जाती हैं और एक मूत्र छोड़ता है, जिससे क्या होता है जो काली फफूंदी है वो पत्तियों पर लग जाती है और ये फफूंदी पूरे के पूरी पत्तियों को घेर लेती है। होता क्या है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की हम। तो उसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें 2 तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। पहले नंबर पर है जैविक नियंत्रण। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं गन्ने की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है जैविक नियंत्रण जानने के लिए। तो जैविक नियंत्रण हम कैसे करेंगे किसान भाइयों। पारीले के परजीवी कीट होता है जो आपकी गन्ने की फसल में पैदा होता है। तो जो इसका अंडे पर परजीवी होता है, यानी कि पारीले का जो अंडा है उसके ऊपर एक परजीवी कीट होता है टेट्रासाइटिकस पारीली, और इसके निम्फ या जिसे कहते हैं बच्चे और प्रौढ़, इनके लिए आप एपिरिगेनिया मेलानोल्यूका नामक परजीवी का प्रयोग करके जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगला हम बात करते हैं इसके रासायनिक नियंत्रण की। तो इसका अगर, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फसल में ज़्यादा इसका प्रकोप हो जाता है तो वहाँ पर जैविक नियंत्रण करना संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका रासायनिक नियंत्रण करेंगे। तो उसके लिए आपको 400 से 600 मिलीग्राम 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ पौधे की बढ़वार के समय इसका छिड़काव करना है और निश्चित रूप से आपको उसके लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली कड़ी की किसान भाइयों, अगले टॉपिक की, जिसमें आता है जड़ भेदक कीट। किसान भाइयों, जड़ भेदक कीट या ये कह दिए रूट बोरर के नाम से हम इसको जानते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं किसान भाइयों। इसकी एक सुंडी होती है जो बिल्कुल दूधिया कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है, इस पर कोई धारियाँ नहीं होती है और यह जड़ वाले क्षेत्र में, जड़ में नहीं लगती। ये जड़ के जो पास वाला क्षेत्र है पहली पोरी में उसके तंतुओं को काटकर सुरंग बना लेती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। और आपको इसकी पहचान बता दिखा देता हूँ। ये जो गन्ने का पौधा होता है उसकी पहली जो पुरानी पत्तियाँ वो पीला होना शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियाँ गोब तक चली जाती हैं सूखते हुए। तो उसकी ये मुख्य पहचान है कि अगर आपका पौधा और खेत बैठा सा दिखता है, मतलब यानी कि नीचे को बैठ गया और इसमें विल्ट भी आ जाती है, तो इस कीट के कारण गन्ने की फसल में विल्ट भी आ जाती है, ठीक है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, मेलिथियान वो 400 से 600 मिलीग्राम प्रति लीटर के 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। सभी बोरर के लिए मुख्य है। अगला किसान भाइयों, बात करते हैं हम अगले कीट की, गुरदासपुर भेदक कीट की। किसान भाइयों, गुरदासपुर भेदक कीट एक ऐसा कीट होता है जो अंत जून से लेकर और नवंबर के अंत तक ये लगता है।
कभी कभी सितंबर तक भी इसकी पूरी तीसरी पीढ़ी पूरी हो जाती है। तो इसकी रोकथाम यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? किशन भैया, इसकी पहचान के लिए आप ये जो कीट होता है इसकी शरीर की लंबवत, इसमें दो धारियां बनी होती हैं गुलाबी कलर की, तो इसकी हम कीट की पहचान ऐसे करेंगे। और इसकी जो प्रकोप होता है गुरदासपुर बेदक का, वो गन्ने की कोमल अवस्था यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उस टाइम पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और जो टॉप पे पोरियाँ होती हैं, 3 से 4 पोरियाँ होती हैं, वहाँ पे आँख के द्वारा ये इसके बच्चे आँख के द्वारा प्रवेश करके ऊपर से गोब से नीचे की तरफ चलते चलते पूरे गन्ने में जड़ों तक पहुँच जाते हैं। तो अगर गन्ने को हम झटका मारेंगे तो गन्ना एकदम से टूट जाता है। और किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात ये है, इसकी तीसरी पीढ़ी जो सितंबर पे तक आकर रुक जाती है, वो अगले साल सुप्त अवस्था में रहकर अगले साल पीढ़ी तक रहती है वो उसमें। तो अगर इसका प्रकोप आपके गन्ने की फसल में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको मैं बात का ध्यान रखते हुए आप इसका उपचार समय रहते कर लेना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आप मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका प्रयोग करके आप कर सकते हो। तो किसान भाई, ये थे आज की वीडियो में, हमने 3 कीटों के बारे में आपको बताया है जिनका नियंत्रण आप समय रहते कर सकते हैं और अपनी गन्ने की उपज को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं अगले 3 कीट बताऊंगा, तराई बेदक होंगे, सफ़ेद मक्खी होगा और सफ़ेद लट होगा। ये 3 कीटों के बारे में मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। किसान भाइयों, फिर से बता देता हूं, अगर कोई किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है और हमारे चैनल पर नया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।